आजकल ऐसा नजारा कम ही देखने मिलता है, जहां इंसान इंसान के काम नहीं आता वही जानवरों से हमें सीखने की जरूरत है। इस फुटेज में एक कौवा रास्ता पार करने में दूसरे एनिमल की मदद कर रहा है। क्या सच में ऐसा होता है? जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे थिंग्स यू विल सी फर्स्ट टाइम। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। फैट इनकीपर वॉर्म। समंदर किनारे किसी जूते और खाली बोतल का मिलना लाजमी हो सकता है, लेकिन अगर आपको अचानक पानी के अंदर तैरती कुछ ऐसी चीज दिखाई दे जिसे देखकर शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल मामला दिसंबर का है, जब कैलिफोर्निया के लोगों को समंदर किनारे बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी जिसे फैट इनकीपर वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पेनिश मछली है जिसे देखकर लोगों को किसी और ही चीज की याद सता रही थी। एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशन। आपने ऐसे बहुत सारे एनिमल रेस्क्यू देखे होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि आज जो आप देखने वाले हो उसे देखकर आपकी आंखें चौड़ी तो जरूर हो जाएगी। बात तब की है जब सैकड़ों की संख्या में कछुओं को इकट्ठा किया गया था, जब अमेरिका के टेक्सास में वेदर इतना खराब हुआ कि टेम्परेचर -10 डिग्री के नीचे चला गया। इंसान को तो इसकी मार झेलनी पड़ रही थी, इसके साथ साथ समुन्दर के कछुओं को भी दिक्कत हो रही थी। हड्डियां जमा देने वाली इनको बर्फ में तब्दील कर देती, जिसके कारण इनकी मौत भी हो जाती, जिसके चलते इनको बचाने के लिए एक चैम्बर में शिफ्ट किया गया जिसमें टेम्परेचर मेंटेन था और इनकी जान जाते जाते बच गई। हेल्पिंग एनिमल। हाल ही में इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक कौवा दूसरे एनिमल को रास्ता पार करने में हेल्प कर रहा है। इस वायरल वीडियो को देखकर हर किसी ने कौवे की तारीफ की, लेकिन बात कुछ अलग ही थी। असल में कौवा दूसरे जानवरों के पिछवाड़े पर इसलिए चोंच मार रहा था ताकि जानवर अपना सिर बाहर निकाले और कौवा उसे मार दे। एक अध्ययन में पता चला है कि कौवा बहुत शातिर होता है और इसमें 7 साल के बच्चे जितने दिमाग के सोचने की काबिलियत होती है।